सीट पे बैठा हुआ एक काला सा नौजवान फूट फूट के रो रहा है। फादर बड़े अपसेट हुए और भाग करके गए और देखा एक यंग मैन अफ्रीकन गाय सिटिंग इन द बैक सीट फूट फूट के रो रहा था। फादर उनको जाकर के पूछते हैं, क्यों रो रहे हो भाई, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फादर की आवाज सुन करके ये बंदा अपने आप को संभालता है, आंसू पोंछ करके मुस्कुराता है और फादर को कहता है, फादर साहब निश्चिंत रहिए, ये जो मेरी आंसू है ना, ये मातम की नहीं खुशियों की आंसू है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फादर फिर रोने लग गया, अरे इतनी खुशी किस बात की, बताओ तो सही। बोले फादर साहब सुनना चाहते हो? जानते हो फादर मेरे मन में एक सपना है, हाँ 5 साल से इस सपना को पाल रहा हूं मैं अपने मन में, मैंने दर दर भटकाया, मेरे सपने पूरे नहीं हुए, 5 साल से मैं यही सवाल अपने आप से पूछ रहा हूं, किस किस की कमी है, किस किस की कमी है मेरे में, क्यों मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं? आज मिल गया जवाब। फादर साहब आज के भाषण से मिल गया है, इसे मिला ही नहीं। फादर आप तो फादर हो, आप तो जानते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। फादर जानते हो ईसा मसीह स्वयं आए थे, उनका दर्शन हुआ मुझे, वो आकर के मुझे बोला, मेरा बच्चा मैं तेरे साथ हूं, विश्वास रख मेरे पे, तेरे सपने पूरे होंगे, आज मैं पूरी निश्चिंत हूं। विश्वास नहीं था, आज वो विश्वास भी पैदा हो गया, वो दो चीज मुझे कायम हो गया, सपना भी है विश्वास भी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो लड़का फिर से रोने लग गया। फादर ने कहा, बहुत अच्छी बात बताया तुमने मेरे बच्चे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, पर मैं बहुत उत्सुक हूं, क्या सपना है तुम्हारा, मुझे बताओगे क्या सपना है, मैं सुनना चाहता हूं। क्यों नहीं बताऊंगा फादर, आप ही से तो जाना था, आपको कैसे नहीं बताऊंगा, बताता हूं। कहते कहते वो आदमी नीचे की तरफ झुक करके जमीन से कुछ उठाता है और खड़ा हो जाता है। फादर देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जमीन से ये बंदा उठाया था और कुछ नहीं, एक बैसाखी, एक क्रच। उस क्रच को अपने हाथ के नीचे रखकर लंगड़ाते हुए वो लंबा सा नौजवान निकलता है और फादर देखते हैं उसके बाएं पैर पोलियो से जख्म है और ये आदमी मुस्कुराता है और फादर के सामने सीधा खड़ा होकर के कहता है, फादर सुनना चाहोगे मेरा सपना? जानते हो फादर मेरा एकमात्र सपना है कि मैं दुनिया के सबसे तेज भागने वाला इंसान बनना चाहता हूं। फादर हैरान होकर के उसके पैर को देखे, विश्वास नहीं हुआ फादर को, एक लंगड़ा आदमी कैसे सबसे तेज भागने वाला बन सकता है। इस बंदे ने कुछ नहीं बोला, आस्ते आस्ते मुड़ करके अपने क्रच लेकर के जल्दी जल्दी निकाश दरवाजा तक पहुंचा। ऑडिटोरियम छोड़ने से पहले वो फिर मुड़ करके देखा और फादर को मुस्कुरा करके बोले, फादर साहब निश्चय रहना, याद कराता हूं आपको, आप ही के बाद ईसा मसीह ने आम इंसान के लिए कितने शर्त रखे थे, दो ना, पहला था सपना, वो तो मेरे पास था, है और रहेगा, हाँ दूसरा मैं मंजूर नहीं कर सका था कल तक, पर आज मैंने मंजूर कर लिया, ईसा मसीह ने दो शर्त लगाए, दोनों मैंने मंजूर किए, मेरे इस लंगड़े पैर के कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, इस लंगड़े पैर के ईसा मसीह ने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, आप निसंशय रहना, एकदम निसंशय रहना, भविष्य के सबसे तेज भागने वाला बंदे को आप मिल चुके हैं, मुलाकात होगी फादर, मैं आऊंगा दोबारा। कहते कहते उतर जाता है वो आदमी, दूर गलियों के पीछे उसका चेहरा लीन हो जाता है और फादर देखते रहते हैं, भूल जाते हैं फादर इस इंसान को कि समय का चक्का घूमता रहता है, भूल जाते हैं वे सारे लोग जो हर इतवार के दिन उस लंगड़े को पीछे की सीट में बैठता देखता था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 4.5 साल बाद एक इतवार का सुबह फिर आता है जब दुनिया के हर कोने में अखबार बेचने वाला वो
हर लोगों को जगाता है सुबह, उठ जाओ, कमाल हो गया है, कमाल हो गया है। और उस दिन इस सारे विश्व में सुबह के अखबार में एक पहले पन्ने में एक आदमी का पिक्चर था, वही निग्रो का, जिसके नीचे लिखा था द फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर कार्ल लुईस। अपने फेथ से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, मुर्दा जिंदा हो सकता है। इंसान के अंदर में प्रेरणा है, शक्ति है, विश्वास है, वो सब कुछ बदल देगा, हजारों लोगों को कमाल कर देगा। इतिहास तो यही कहता है ना, हमारे गांधी, हमारे भगत सिंह, हमारे नेताजी तो ऐसे ही लोग थे ना, उनकी एक आवाज की हुंकार से लाख लाख लोग पीछे खड़े हो जाते थे। कैसे? विश्वास से। इंसान के कदम चंद्रमा में कैसे उतरा? विश्वास से। सब कुछ कर लो अगर तुम्हारे मन में सफल होने की विश्वास है तो जरूर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त। लास्ट पॉइंट है फेथ। ऑल द टाइम लिव इन फेथ बिकॉज फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मेरे दोस्त, आज तुम्हारे इस इंस्टीट्यूशन में पहला दिन है, मैं बहुत कठोर रूप से पेश आया, मुझे माफ करना, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्योर प्यार है, इतने अच्छे प्रार्थना है कि सब तुम अच्छे बनो, बड़े बनो। क्योंकि देखो, जो भी कहो, मेरा तो 63 इयर्स हो गया है ना, मेरे हड्डी में इतनी ताकत तो नहीं जो तुम्हारे हड्डी में है, हाँ, पर मेरे ब्रेन में ताकत जरूर है। आओ, तुम्हारी शक्ति और हमारी प्रेम एक पार्टनरशिप कहे, दुनिया को चेंज कर दे, एक नया भारत बनाए। बी एन इंजीनियर ऑफ योर कंट्री, योर कंट्री नीड्स योर फ्रेंड्स। सो वेक अप, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। In the last few years of my life, I work hard only to bring young people like you. नया भारत का निर्माण करिए, आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। सोनीपत इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट वर्ल्ड। The best thing I heard from your side, it really will inspire all of us to achieve and then sky will be the only limit for us. Indeed, it was an exhilarating experience full of energy, motivation and message galore. That's how I would describe you, Mr. Asif Ghosh. Hats off to your energy. I myself feel very touched and it really uplifts my soul and I'm sure it will encourage all of us. Thank you very, very much for such words which adds moment to our life. Please guys, put your hands once again for this dynamic performance. Now there's a one, we are distributing an evaluation sheet. Please take 5 minutes in filling this. I request each and everyone to please fill this form, little form, which will give you the information regarding the motivational speeches and other things.
small evaluation form. You just have to write your name, email address, mobile number. The next column is of comments about the program, which not undoubtedly it was an extraordinary program. You just have to put in your views. And the last column was for the comment about the speaker. Please fill it. Take your time.
Please submit the form at the earliest. Sure. Okay. Yeah, yeah. Manoj Sethi, who will interact with you regarding this session. Thank you. And I would like to say thanks to the sir. We have learned a lot. I am into education from 1996 and dealing with the youngsters, students only. And this kind of energy, motivation, the kind of examples sir has quoted is really unmatched. I am really impressed. I think so you are. I just want to have the feedback of this program. Aap mein se koi agar koi student kuch bolna chahta ho, what you have learned out of this program, like to comment upon, can raise your hand. कुछ भी सर ने बताया था ना, डर के आगे जीत है, तो पहले डर तो ही खत्म कर दो कि आप नहीं बोल पाओगे. आई थिंक आप बोल पाओगे और वो सुनने के लिए मैं यहाँ पे आया. मेरा तो रोल नहीं था आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि मुझे कुछ बोलना है या मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन जहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं ना और ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता कि कुछ तो बोलना है. एक टाइम था जब मैं स्टेज पे आता था तो मेरे भी हाथ कांपते थे, मैं भी घबराता था क्या बोलूंगा, कितना बोलूंगा. सामने ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो एक तो आंसर दे सकता हूं और अगर दूसरा पूछ लिया तो. जीतना, विनिंग इज नॉट एन आर्ट, इट्स जस्ट योर इनसाइड. यस, आई थिंक यू डोंट नीड माइक, ऐसी बोल पाएंगे आप. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? विशाल. के लिए गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. He's the one who's taking the charge of your all student. He's initiating this program, the feedback program. It is not easy to give feedback. If you really feel something, you're touched from inside, then only you can speak something. It is not something which you have to speak with intellectual. You have to speak from inside feelings. आपकी क्या feelings हैं? I wish to know that. हर एक इंसान के अंदर अपने बुद्धिजीवी हैं, intellectual हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर बनने आप जा रहे हैं, सबको पता है क्या करना है. माँ बाप भी ज्ञान देते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी के दौरान जो हम सीखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए बहुत, इट विल बी अ बेस फॉर अ फ्यूचर. यस विशाल. ओह दैट्स ग्रेट सर, इज योर आइडल. कम ऑन, कैन यू हाईलाइट फ्यू थिंग्स लाइक व्हाई ही इज योर आइडल? क्या ऐसा आपको लगता है? So give a smile now. Oh, that's great. Everybody's smiling now. That's nice. Very good. Thank you very much, Vishal. Good. Anybody, all of you, the student, the parents who want to speak, yes. What's your name? Ajay Bhadwaj. Okay. बिल्कुल बोलिए आप. सर, जो आपका कह रहा है कि आप आज सुबह वो आपका कह रहा है वो हमारे लिए क्या था, वो इसलिए बात नहीं हुआ. अगर जो बड़ा बनाता है ना तो
गड़ा बन सके और जब वो पके तो उसको लोग खरीद सके, उसको लोग पाने के लिए इच्छुक हो। ये इसलिए आपको सर आपका हमारा लिए प्यार खतरा पर नहीं था, इसको आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सर ने पहले बता दिया था मैं शुरू में करेला हूँ, जो मुंह का टेस्ट बना दूंगा बाद में, मीठा खाने में अच्छा लगेगा। That's great. सर ने बताया था सर इज वेरी स्वीट अदरवाइज। यस, हु एल्स? आई वॉन्ट यू मोर स्टूडेंट टू स्पीक समथिंग। अगर आपने वाकई सीखा है, सुना है, समझा है, तो कम्युनिकेट जरूर करो, आपको फायदा होगा। वेरी गुड। बोल चले Then you can sit here, otherwise your orientation will be tomorrow. Okay. I thought that if I am really sit here, then I can be learning things. Okay, and I am sitting here today and I have learned a lot of things about our life, about our not our life, about our education. Not education is not important in our life. With education, how can we achieve success? How can achieve how can make the goal? How can we achieve our goal? Everything in this program. So what on my heart, it was very excellent, not excellent, it will be awesome program. Oh, that is great. I think he's a young boy who wants to teach something. It was a very motivational program organized by Ghosh sir. I would like to thank him. The program would last everlasting memories in, I think, all of our lives. It was a very simple, but sir gave us a whole mantra of success that was covered in 6 points only. That's great. Thank you very much. Who else can speak on this? From girl part, who can speak? Raise your hand. Girls are not less than boys. So देखिए, एक होता है सुनना, सबको सुनाई देता है। ये eligibility है कि अगर आप जन्म हुआ है आप सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। दूसरा होता है बोलना, ये भी eligibility है, आप बोल सकते हैं, आपके पास एक will है, आपको सुनने की शक्ति मिली, बोलने की शक्ति मिली। नेक्स्ट होता है communicate करना, सुनना सबके पास है, समझना सबको आता है, समझने के बाद बोलना। आई डिफाइन लक क्या है, मैं कुछ डिफाइन करना चाहूंगा इधर। व्हाट इज लक? लक इज एल यू सी के, एल स्टैंड फॉर टू लिसन। आई थिंक एवरीबॉडी कैन लिसन, बट इफ यू रियली वांट टू लिसन यू हैव टू क्वाइट टू लर्न नाउ विद इन द क्लासरूम यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर, एवरीबॉडी इज लिसनिंग एंड वन स्टूडेंट कैन टॉक। द ओनली डिफरेंस इज द वे ही इज लिसनिंग। सुनाने का तरीका है, सुनने का भी तरीका है। नेक्स्ट इज फर्स्ट टूल इज ऑफ लक इज टू लिसन, सेकेंड टूल इज टू अंडरस्टैंड, यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंड। जितना आप सुनेंगे, आपने सर का लेक्चर सुना, सर का मोटिवेशनल टॉक सुनेंगे, आई थिंक व्हाटएवर यू लिसन